चीन और पाकिस्तान इस वक्त भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं और दोनों को एक साथ जवाब देने के लिए भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। समंदर में हर साजिश को तबाह करने के लिए नेवी को एक शक्तिशाली सबमरीन मिलने वाली है और कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन INS करंज समंदर में दस्तक देगी तो साउथ चाइना सी में मौजूद चीन ने वॉरशिप भी उसका काम जाएगा। आने वाली है नौसेना की शान। भारतीय नौसेना समंदर में भारत का अदृश्य वार, दुश्मन ढूंढ नहीं पाएगा, करंज का करंट तबाह कर देगा। कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन INS करंज बस कुछ ही वक्त में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली है। लेकिन अभी से पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है क्योंकि INS करंज की खासियत ऐसी है कि दुश्मन उसे ढूंढ नहीं सकता और वो पलक झपकते ही दुश्मन के परखच्चे उड़ा देगी। INS करंज को 2018 में समंदर में टेस्ट के लिए उतारा गया था। करंज हर टेस्ट में अव्वल रही है, अब इंतजार है कि कब INS करंज भारतीय नौसेना के दस्ते में शामिल होती है, जबकि कलवरी क्लास की पहली दो सबमरीन कलवरी और खंडेरी पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। कलवरी क्लास की कुल 6 सबमरीन मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाई जा रही हैं। ये सबमरीन समुद्र में 50 दिनों तक रह सकती हैं और एक बार में 12,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती हैं। इसमें 8 अफसर और 35 नौसैनिक काम करते हैं और ये समंदर के अंदर 350 मीटर तक गोता लगा सकती है। कलवरी क्लास की सबमरीन समंदर के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। खास बात यह है कि करंज में दुश्मन के जहाज को तबाह करने के लिए टॉरपीडो लगे हैं। इसके अलावा ये समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है। पनडुब्बी हर एक नौसेना के पास, हर एक देश के पास कहते हैं इस फॉर वॉर लड़ाकू जहाज है। वो चुपचाप पानी के नीचे जाके दुश्मन को गिराता है और शांति के टाइम पे ट्रेनिंग करता है बाकी जहाजों की, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ने अपने आप ही परमाणु पावर और परमाणु हथियार के साथ पनडुब्बी बनाई है। नेवी ने, DRDO ने और लार्सन एंड टूब्रो में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम। INS करंज में सतह और पानी के अंदर से टॉरपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलें दागने की क्षमता है। ऐसा दावा है कि INS करंज में सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की हालत खराब करने की क्षमता है। इसके साथ ही इस पनडुब्बी में एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, माइन लेयरिंग और एरिया सर्विलांस जैसे मिशनों को अंजाम देने की क्षमता है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन देशों की नौसेनाओं के लिए इसकी टोह लेना मुश्किल होगा। पनडुब्बी को बनाते हुए पनडुब्बियों का पता लगाने वाले कारणों को ध्यान में रखा गया है जिससे ये पनडुब्बी ज्यादातर पनडुब्बियों की अपेक्षा सुरक्षित हो गई है। ये एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं। इस तकनीक को DRDO के नेवल मटेरियल रिसर्च लैब ने विकसित किया है। अभी भारतीय नौसेना के पास सिंधु क्लास की 9, शिशुमार क्लास की 3, कलवरी क्लास की 2 और एक न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र यानी कुल 15 सबमरीन हैं। अरिहंत क्लास की 2 सबमरीन यानी INS अरिहंत और INS अरिघात इनके अलावा हैं जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन हैं। न्यूक्लियर सबमरीन के अलावा भारतीय नौसेना की सभी सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक हैं और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन न होने की वजह से इन्हें हर एक दो दिन में सतह पर आना पड़ता है। INS करंज स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन समेत कई तरह की तकनीकों से लैस है। हमारी नौसेना के पास 16 पनडुब्बी हैं, कुछ पुरानी हैं, तो देखिए कौन सी है वो। 9 हमारे पास किलो क्लास सबमरीन है, वो किलो क्लास
रशिया से लिए थे हमने, वो क्लब मिसाइल चला सकते हैं। सोनार उनका जो है रशियन है, हम भारत का सोनार लगा रहे हैं, वो पकड़ता है सबमरीन को, तो ये अंडर वाटर से क्लब मिसाइल चला सकती हैं। इनके पास 106 मिसाइल है, वो भी पानी के नीचे से मिसाइल चला सकते हैं। और दो और हैं परमाणु पावर पे चलने वाली चक्रा, जो हमने लीज पे ली हुई है रशिया से। जिस तेजी से साउथ चाइना सी में चीन का दखल बढ़ रहा है, उसके हिसाब से भारतीय नौसेना को जबरदस्त तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि चीन का खाड़ी देशों का रूट मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर साउथ चाइना सी में चीन हेकड़ी दिखाता है तो भारत मलक्का स्ट्रेट में उसका रास्ता रोक सकता है, और उस वक्त दुश्मन पर नजर रखने और उस पर अटैक करने में INS करंज काफी काम आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे इतिहास जो गलत पढ़ाया गया।